जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। थर्ड आई क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपसे बताया था कि आज का हमारा टॉपिक होगा चाल, समय और दूरी। इसका पहला पार्ट हम लेकर चलेंगे और इसमें सबसे जरूरी बात क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे जो हमें जानना बड़ा जरूरी होगा। जैसे मैं अभी अपने घर से ऑफिस आया हूँ आपके लिए वीडियो शूट करने के लिए, तो मैंने कुछ दूरी चली होगी। ठीक है, मैंने क्या चला होगा, कुछ दूरी चला होगा और इस दूरी को चलने में एक नियत समय लगा होगा। तो जब किसी दूरी को चलने में एक नियत समय लगता है तो उसी को कहते हैं चाल। यानी यहां से फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसी से बहुत सारी चीजें होती हैं। समय अगर यहां आ जाता है तो ये हो जाती है दूरी बटे चाल, और अगर मैं बात करूं कि चाल को इधर भेज दूं, यहां से फॉर्मूला क्रिएट होता है दूरी बराबर समय गुणे चाल। ये तीन फॉर्मूले हैं चाल, समय, दूरी के, इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होंगे। जिस टर्म में हम लोग चाल, समय, दूरी की पढ़ाई करने वाले हैं उसमें इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होने वाला है। अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका हम कितना प्रयोग ही कर पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट होती है, ये तो हो गई पहली बात चाल, समय, दूरी में। दूसरी बात हो गई कि हमसे बिल्कुल साधारण सा प्रश्न पूछता है, कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में पूछता है, या फिर हम बात कर लें मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता है, ये हमारा है क्या मेरे दोस्त, ये हमारा चाल का मात्रक है, अच्छा देखो, एक हमारा बड़ा मात्रक है और एक हमारा छोटा मात्रक है। कोई भी हमसे बता सकता है कि सर जो इसमें से बड़ा मात्रक है वह ये है किलोमीटर प्रति घंटा, और कोई भी बंदा बता सकता है कि किलोमीटर के तुलना में मीटर छोटा होता है। क्योंकि यार दोस्त देखो जरा, किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, ये एकदम लाजमी सी बात है। इतना भी मूर्ख कोई नहीं होता है कि जाके कपड़े की दुकान पर बोले कि मुझे 2 किलोमीटर कपड़ा दे दो, मुझे शर्ट सिलवाना है। तो इतना मूर्ख आज के डेट में कोई भी नहीं है दुनिया में। सब जानते हैं कि किलोमीटर मीटर की तुलना में बड़ा होता है। मैं क्या बता रहा था, मात्रक, यानी एक बड़ा मात्रक और एक छोटा मात्रक। तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड छोटा मात्रक होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब अगर हम बात करें कि बड़े मात्रक और छोटे मात्रक में रिलेशन कैसे थे, जैसे हमसे पूछ दिया किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलो, ये यहां पर दूसरी बात और ये यहां पर तीसरी बात। मैं यहां पर दूसरी बात को ले रहा हूं। ऐसे अगर आपको, मैं यहां पर इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ये वाला पोर्शन ले लें, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बदलना है, यदि अगर हमें बड़ा ज्ञात करना होगा, तो किससे गुणा करेंगे, बड़े से गुणा करेंगे। ठीक, छोटा ज्ञात करना होगा तो छोटे से गुणा करेंगे। यानी बड़ा क्या है हमारा, यहां पर बड़े के लिए है 18/5 और छोटे के लिए है 5/18। ये 18/5 और 5/18 का कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना। ये कैसे आता है इसकी आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि बता भी दूंगा तो आपको भूल जाना है। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि जब बड़ा मात्रक ज्ञात करना पड़ता है तो 18/5 का गुणा करते हैं, छोटा मात्रक ज्ञात करना पड़ता है तो 5/18 का गुणा करते हैं। तो बड़ा ज्ञात करना है मात्रक तो हम यहाँ पर 18/5 का गुणा कर देंगे, और छोटा मात्रक ज्ञात करना है तो हम 5/18 का गुणा कर देंगे। ठीक है, छोटा मात्रक ज्ञात करना है तो हम 5/18 का ज्ञात 18 का गुणा कर देंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एक छोटा सा, कि रवि की चाल 25 मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करें।
अब देखो जरा, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें यानी बड़ा ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें यानी बड़ा ज्ञात करना है। तो इस 25 मीटर प्रति सेकेंड में बड़े का गुणा कर देंगे यानी 18/5 का गुणा कर देंगे। तो 5 से 5 कटेगा, 5 5 25, 18 5 90, यानी जो हमारा आएगा वो आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं एक और ले लेता हूं, दूसरा मैं ये ले लेता हूं, सेम रवि ही है। रवि की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड चाल ज्ञात करें। अब मीटर प्रति सेकेंड चाल ज्ञात करें तो मीटर प्रति सेकेंड क्या है, छोटा है, और जब छोटा ज्ञात करना होता है तो किसका गुणा करते हैं, 5/18 का। यानी हम 36 में 5/18 का जब गुणा करेंगे तो 18 × 36 और 2 5 10, हमारा मीटर प्रति सेकेंड पूछा था और आंसर आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप इस बेसिक चीज को लेकर चलिए, हम घर से यहां आए तो कुछ दूरी तय किए और उस दूरी को तय करने में एक नियत समय लगा होगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय को यहां भेज देंगे तो चाल यहां आ जाएगा, दूरी बटे चाल, चाल को इधर भेज देंगे तो समय गुणे चाल बराबर दूरी, पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा था किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में पूछता है, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता है। अच्छा, ये मात्रक है, क्या है, एक बड़ा मात्रक है और एक छोटा मात्रक है। बड़ा मात्रक क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, छोटा मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। अब बड़े के लिए हम 18/5 का गुणा करते हैं, छोटे के लिए हम 5/18 का गुणा करते हैं, ठीक। तो जब हमें बड़ा मात्रक ज्ञात करना होता है, बड़ा मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं, जब हमें बड़ा मात्रक ज्ञात करना होगा तो 18/5 का गुणा करेंगे, जब छोटा मात्रक ज्ञात करना होगा तो 5/18 का गुणा करना होगा। हमें छोटा सा क्वेश्चन लिए कि रवि की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करें, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करें। तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक ज्ञात करना है तो 18/5 का गुणा किए तो 5 5 25, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। रवि की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, बड़ा दिया है, मीटर प्रति सेकंड पूछ रहा है यानी छोटा पूछ रहा है, तो छोटा ज्ञात करने के लिए किसका गुणा करते हैं, 5/18 का। और जब हम 5/18 का गुणा किए हैं तो हमारा क्या आया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड आया है। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूं, क्वेश्चन नोट करिए। उसी टाइप के अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, यानी 60 किलोमीटर चलता है एक घंटा में, ध्यान दीजिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है यानी एक घंटा में कितना चलता है, 60 किलोमीटर, तो वह डेढ़ घंटे में कितना चलता है। तो अगर एक घंटा में 60 चलता है तो डेढ़ घंटा में क्या होता है, एक घंटा और आधा घंटा, तो एक घंटा में 7 और आधा घंटा में 30, यानी 60 30 90, यानी हम डायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं कि वह स्कूटर चालक कुल 90 किलोमीटर चलेगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी झंझट के, हम सीधे सीधे बस ये समझ लेंगे कि वह स्कूटर चालक एक घंटा में कितना चल रहा है। तो अगर एक घंटा में 60 चला है तो डेढ़ घंटे का मतलब होता है एक घंटा और आधा घंटा, तो एक घंटा में 60 और आधा घंटा में 30, तो 60 30 90, यानी डेढ़ घंटा में टोटल कितना चला, 90 किलोमीटर चला। अच्छा देखिए, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। जैसे जब समान दूरी हो, ठीक है, जब दूरी समान हो, ये जब दूरी समान हो का क्या तात्पर्य है, जैसे मैं आपसे एक बात बताऊं कि जैसे हम लोग बचपन में पढ़ने जाया करते थे स्कूल, तो साइकिल से स्कूल जाते थे और फिर साइकिल से ही स्कूल से घर आते थे। तो जब सुबह हम स्कूल जाया करते थे तो वह दूरी, और शाम को जब घर आया करते थे तो वह दूरी, दोनों क्या होती थी, समान होती थी। लेकिन यह तय नहीं होता था कि सुबह जिस चाल से जाएंगे शाम को भी उसी चाल से वापस आएंगे, यह तो तय नहीं होता था ना, वह डिपेंड करता था। मान लीजिए सुबह हवा चल रही है और स्कूल की तरफ हवा चल रही है तो हम जल्दी स्कूल पहुंच जाएंगे, और शाम को जब घर आना है तो हवा हमारे विपरीत चल रही है, तो हम कितनी भी तेज साइकिल चलाएंगे सुबह की तुलना में साइकिल कम स्पीड से चलेगी, यानी वही दूरी चलने में हमें क्या लगेगा, वही दूरी चलने में हमें ज्यादा समय लगेगा। यानी कि दूरी जब समान है, हम जब चाल को बढ़ाएंगे, जब चाल दूरी हमारा समान है, जब हम चाल को बढ़ाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, कम, और जब हम चाल को गिराएंगे तो समय क्या लगने लगेगा, ज्यादा लगने लगेगा। यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि दूरी
और दूरी जब बराबर होता है तो चाल और समय एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। भाई सीधी सीधी बात, अगर हमें कहीं जाना है, जल्दी पहुंचना है यानी कम समय में पहुंचना है, कम समय में पहुंचना है, तो हमें चाल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चाल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम कहीं जा रहे हैं, अपने चाल को गिरा लिए, एकदम धीरे धीरे जा रहे हैं, तो समय क्या लगने लगेगा, ज्यादा लगने लगेगा। यानी कि हमारा चाल और समय एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। कब, जब दूरी समान होगा तब, जब दूरी समान होगा तब। तो ध्यान दीजिएगा, चाल और समय में क्या संबंध है, चाल और समय में क्या संबंध है। अगर चाल x बटे वाई है तो समय हो जाएगा y बटे x, चाल x बटे वाई है तो समय हो जाएगा y बटे x। कब, जब दूरी समान होगा तब। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि जब भी हम चाल को बढ़ाएंगे तो समय कम हो जाएगा और चाल को गिराएंगे तो समय ज्यादा लगने। दोनों में से कोई ना कोई एक दिया होगा और एक का वास्तविक मान। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है अभी, और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। वह 1.5 घंटे में दौड़ पूरी करने के लिए, वह 1.5 घंटे में, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वही दौड़ पूरी करने के लिए, वही दौड़ पूरी करने के लिए 1.5 घंटे में वही दौड़ पूरी करने के लिए किस चाल से चलेगा। तो यहाँ 2 घंटा 1.5 घंटा, यानी यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्त, समय दे रखा है, यानी 2 घंटा और 1.5 घंटा समय दे रखा है। ठीक, ये हमारा पहला समय और ये हमारा दूसरा समय। अब इसको काट के अनुपात में बदलेंगे तो उल्टा करने पर ये क्या हो जाएगा, चाल। तो 2 घंटा 1.5 घंटा, आधा से इसको काटेंगे तो आधा चौक के 2 और आधा तिहाई 2, मतलब आधा है, आधा 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 आधा, 4 बार करेंगे तो 2 और आधा को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा, इसको उल्टा कर देंगे तो 3/4, देख लो, समय x बटे वाई है तो y बटे एक्स, y बटे एक्स है तो x बटे वाई, 4/3 है तो 3/4, यानी पहले चाल कितनी थी, 3 थी, पहले चाल वास्तव में कितनी थी, 30 थी। तो 3 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 एक कम 3, 3 दहा में 30, 1 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, तो 10 चौक के 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ गया दोस्त, आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मैं फिर रिपीट करूं, हमारे पास समय दिया था 2 घंटे और 1.5 घंटे, जब हमने इसको अनुपातिक में काटा तो आधा चौक के 2, आधा तिहाई 1.5, 4/3 को उल्टा कर दिया तो 3/4, उल्टा करने पर ये क्या निकल कर आया, चाल आया। अच्छा, पहले चाल कितनी थी जब वो 2 घंटे में पूरा करता था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 बराबर 30, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10 हो गया, तो 4 बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए 5 सेकंड के लिए, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे में चर्चा बताता हूं। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है, 2.5 घंटे तक यात्रा करती है, यानी वास्तविक समय दे दिया है। यदि वह 20% तेज चले तो, यानी पहले की तुलना में 20% ज्यादा तेज चले तो, यानी मैं यहां पर अगर चाल लिखना चाहूं मेरे दोस्त, तो जरा ध्यान देना, पहले की चाल और अब की चाल, 20% तेज चले तो, यानी अब जो है 120% और पहले कितना, 100%। और जब इसका रेशियो काटेंगे, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 5 10, यानी चाल क्या आ गया, 6/5, यानी पहले की चाल कितनी, 5 और अब की चाल कितनी, 6। तो चाल का उल्टा करते हैं तो क्या हो जाता है, समय हो जाता है, चाल का उल्टा करते हैं तो क्या हो जाता है, समय हो जाता है, यानी 5/6, यानी अब जो है 5 समय लग रहा है और पहले कितना लगा करता था, 6 लगा करता था। अच्छा, जरा ध्यान दीजिएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है, ध्यान दीजिएगा, एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है, यदि वह 20% तेज चले तो उसी यात्रा को कितने समय में पूरा करेगी। अच्छा, पहले हमारा कितना समय लग रहा है, 6, और वास्तव में कितना लग रहा है, 2.5 घंटा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 1 5/2, 5/2 घंटा, तो 6 बराबर 5/2 घंटा। तो 1 का मान जब निकालेंगे तो 6 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, जब 1 का मान निकालेंगे तो 6 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी 2 × 6 यानी 5/12, 5/12 इसको हम लोग लिख सकते हैं, 5/12। और हमें क्या निकालना है, अब का समय निकालना है, अब का समय कितना है, 5,
तो एक का मान कितना आया, पांच बटे बारह। तो एक का मान पांच बटे बारह आया, तो पांच का मान निकालने के लिए पांच का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी पांच पचे पच्चीस बटे बारह। तो बारह दुना चौबीस, बारह दुना चौबीस, दो सही एक बटे बारह घंटे लगेगा, दो सही एक बटे बारह घंटे लगेगा। तो सबके ध्यान से नोट करिए, थोड़ा डेसिमल में बटे में चला गया है, लेकिन दिक्कत नहीं है, आप समझने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन मजबूत करिए, बस नोट करिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, एक ही स्थान से जाते हैं गंतव्य तक। भाई हो सकता है किसी की चाल ज्यादा हो, किसी की चाल कम। हम मामा के जा रहे हैं, मान लीजिए हम और हमारे भाई, तो हो सकता है मेरी चाल ज्यादा हो, उसकी चाल कम हो। तो जिसकी चाल ज्यादा होगी वो कम समय लगेगा पहुंचने में, और जिसकी चाल कम होगी वह ज्यादा समय लेगा। तो वही क्वेश्चन है, जब दूरी समान हो तब, तो जब दूरी समान हो तब क्या होता है, चाल का उल्टा कर देते हैं तो क्या होता है मेरे दोस्त, समय होता है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, चाल क्या दे रखा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसे काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 पचे 10, ये 4/5 चाल जो है ये अनुपातिक चाल आ गया, क्या आ गया। और जब चाल का उल्टा करते हैं तो क्या होता है, समय होता है, यानी 5/4 समय हो गया। यानी पहले व्यक्ति का समय कितना लगता है 5, तो दूसरे व्यक्ति का समय कितना लगता है 4। तो जरा देखो, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्यादा समय ले रहा है, यहाँ पर 5/4 से कितना ज्यादा है 1। और यहाँ पर देखो, गंतव्य तक जाने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे से 30 मिनट ज्यादा लेता है। तो अगर 1 बराबर 30 मिनट हुआ, 1 बराबर कितना हुआ 30 मिनट हुआ, तो 4 बराबर 30 चौके 120 मिनट हुआ, कितना हुआ 120 मिनट। यानी हम 120 मिनट को लिख सकते हैं 2 घंटा। यानी कि जो चाल है दूसरे व्यक्ति की वह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर, और दूसरा व्यक्ति वहां पे जाने में कितना समय ले रहा है 2 घंटा। तो अगर 2 घंटा समय ले रहा है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाएगा, कितना जाएगा 20 किलोमीटर जाएगा। यानी हमसे पूछा गया था चली गई दूरी, यह बंदा भी उतना ही जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 30 का गुणा 5 में क्यों नहीं किया, तो बेटा यहाँ पर 30 × 5 = 15 150 मिनट हो जाएगा ना, और 150 मिनट एकदम एग्जैक्ट घंटा नहीं आ रहा है, वो क्या आ रहा है 2 घंटा और आधा घंटा आ रहा है। ठीक है, 2 घंटा और 30 मिनट आ रहा है, तो वहां पर फिर डेसिमल मान जाएगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो आप देख करके चूज कर लो कि गुणा वहां करें जहां पर एग्जैक्ट घंटा निकल कर आए। जैसे मैंने 30 का गुणा 4 में किया तो 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब कितना हो गया 2 घंटे। यानी दूसरा व्यक्ति वहां में जाने में कितना समय लिया 2 घंटे का लिया, और वह व्यक्ति 1 घंटा में कितना जाता है 10 किलोमीटर। तो अगर 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटा में कितना जाता है बेटा 20 किलोमीटर। क्वेश्चन नोट करो जरा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा मैं लिख लेता हूँ, चाल कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल की चाल कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली कार और दूसरी कार, और 0 से 0 कट गया। तो जब हमें चाल दे रखा है तो हम समय निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल का उल्टा कर देंगे, यानी 5/4। अब जरा देखो, पहली वाली कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चली है वह आधा घंटा पहले चली है, और यहाँ पर जरा देखो कितना दिखा रहा है 1, यानी 1 बराबर कितना बच्चा आधा घंटा। तो अगर 1 बराबर आधा घंटा, तो 4 बराबर 4 का आधा 2 घंटा, 4 का आधा 2 घंटा। यानी दूसरी वाली कार कितना घंटा चली, 2 घंटा चली, यानी 2 घंटा बाद पकड़ लेगी, 2 घंटा बाद उसे क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। यानी यहां पर एक आंसर हो गया कि 2 घंटा बाद पकड़ेगी। अब कितनी दूरी पर, तो जरा देखो दूसरी वाली कार 1 घंटा में कितना चल रही है 50 किलोमीटर। तो अगर 1 घंटा में 50 किलोमीटर चल रही है, तो 2 घंटा में कितना चलेगी 50 × 100 किलोमीटर, 50 × 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 घंटा बाद दूसरी वाली कार पहले वाली कार को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं एक और देता हूं आपको, कि ये स्टेशन है हमारा, मान लेते हैं ये, यहां से दोनों कार चल रही है, पहली कार और दूसरी कार। पहली कार आधा घंटा पहले चली है, और इसकी चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 20 किलोमीटर। यानी पहली वाली कार
20 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी, 20 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी और इसका चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा देखो इस वाले कार को ये वाली कार पकड़ेगी तो पहले तो इसके चाल को काटना पड़ेगा, तो इसके 40 किलोमीटर चाल को या 40 किलोमीटर से काट करके कितना हर घंटा बढ़ेगी, यानी यह कार इसके चाल को नलीफाई करके हर घंटे 10 किलोमीटर ज्यादा चलेगी, हर घंटे 10 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। और इसे पकड़ने के लिए इसे पहली कार को कितना ज्यादा चलना है 20 किलोमीटर ज्यादा चलना है, तो जब 20 किलोमीटर ज्यादा चलना है और एक घंटा में 10 किलोमीटर ज्यादा चल रही है तो एक घंटा में 10 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर के लिए 2 घंटा, यानी 2 घंटा बाद वह कार उसे पकड़ लेगी। और कौन सी कार पकड़ेगी, दूसरी वाली जिसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में 50 किलोमीटर तो 2 घंटा में 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 घंटा बाद वह इसे पकड़ लेगी। एक आपका ये क्वेश्चन है, दूसरा मैंने बताया 40/50 0/0 कट गया, 4/5 को उल्टा किए 5/4, समय का डिफरेंस कितना है 1 है, वास्तव में कितना है आधा घंटा, तो 1 = आधा घंटा तो 4 = 2 घंटा, यानी दूसरी वाली कार 2 घंटा बाद पहले वाले को पकड़ लेगी। और इसकी चाल कितनी है एक घंटा में क्या किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो यदि एक घंटा में 50 किलोमीटर तो 2 घंटा में 100 किलोमीटर, यानी दूसरी वाली कार 100 किलोमीटर दूरी चल करके 2 घंटा बाद पहले वाली कार को पकड़ लेगी। और यहाँ पर क्या था, आधा घंटा पहले चली है तो आधा घंटा में आधा घंटा चली होगी, तो एक घंटा में 40 तो आधा घंटा में 20, यानी पहली वाली कार 20 किलोमीटर आगे होगी तब दूसरी वाली चलेगी, और दूसरी वाली हर घंटे कितना चलेगी 50, यानी यह 40 चल रही है 50 चल रही है तो 40-40 खत्म, यानी दूसरी वाली कार पहले वाली कार से हर घंटे 10 किलोमीटर ज्यादा चल रही है, और कितना ज्यादा चलना है 20 किलोमीटर, तो एक घंटा में 10 किलोमीटर तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर, यानी दूसरी वाली कार 2 घंटा बाद उसे पकड़ लेगी। क्वेश्चन नोट करिए। जय हिंद दोस्तों, आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, यदि वह अपने नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो इसके बाद क्वेश्चन छूट गया है, ऐड कर दे रहा हूं 18 मिनट देर से पहुंचता है, 18 मिनट देर से पहुंचता है, नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। तो जरा एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर चाल का अनुपात दे रखा है पहले से ही, ठीक है, चाल का अनुपात दे रखा है 4/5, नियत चाल यानी जो पहले की चाल होती है जिसकी तुलना में अब चला जा रहा है वो हमेशा नीचे होता है, प्रारंभिक मान हमेशा नीचे होता है, पहले का मान हमेशा नीचे होता है अनुपात में बटे में। तो नियत चाल के यानी नियत चाल कितना हो गया, नियत चाल कितना हो गया 5, ठीक, अब का चाल कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो चाल है, चाल को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, समय हो जाएगा, समय यानी 5/4, क्यों, घर से स्कूल की दूरी कभी बदलेगी नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सोमवार को स्कूल गया तो स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर, मंगलवार को गया तो 8 किलोमीटर हो गया, हनुमान जी बोले कि भैया जल्दी करो बच्चे को जल्दी पहुंचाना दूरी कम कर दो, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, चार अगर 4/5 है तो समय कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, पहले नियत चाल से चला करता था तो समय कितना लगता था 4, अब कितना लग रहा है 5, कितना देर में पहुंच रहा है 1, वास्तव में 18 मिनट देर हो रही है, 1 = कितना 18 मिनट, तो अगर 1 = 18 मिनट तो 72 मिनट लगेगा, यानी हम कह सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट लगेगा उसे जाने में, 1 घंटा 12 मिनट लगेगा। यहां देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान पैदल जाता है, यदि वह सामान्य चाल के, किसके चाल के, सामान्य चाल के, तो सामान्य चाल कहां हो जाएगा नीचे हो जाएगा, और अब की चाल कहां हो जाएगी ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/4, ये हमारा क्या हुआ चाल हुआ, और चाल का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा समय हो जाएगा, यानी 4/5, यानी सामान्य चाल से जब 4 चाल से चलता है तो समय कितना लेता है 5, और अब की चाल अगर 5 है तो समय कितना लेता है 4। तो जरा देखो 4 5 की तुलना में पहले है, कितना पहले है 1, और यहाँ पर वास्तव में कितना पहले है 24 मिनट, तो 1 = कितना 24 मिनट, और यहाँ पर हमसे बोला है सामान्य चाल से चले तो, यानी सामान्य चाल 4 से चले तो कितना समय पहुंचता है 5, और 1 = कितना आया 24 मिनट, तो अगर 1 = 24 मिनट आया तो 5 = 20 × 100, 4 × 20
20 मिनट यानी हम इसको कह सकते हैं 2 घंटा भी, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 2 घंटा आ गया। ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस जो हमें अनुपातिक समय या अनुपातिक चाल दिया है उसे रखेंगे और उस अनुपातिक मान को उल्टा कर देंगे। अगर चाल दिया है तो उल्टा होकर समय हो जाएगा, अगर समय दिया है तो उल्टा होकर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो चाल अगर हमारा 5/4 था, यानी सामान्य चाल जो चला करता था वह 4 था, लेकिन अब की चाल वह 5 कर दिया, इसको उल्टा किए तो 4/5, यानी अब का समय कितना लग रहा है 4, यानी पहले ऑफिस जाने में उसको 5 समय लगता था, अब ऑफिस जाने में 4 समय लग रहा है, यानी पहले की तुलना में एक जल्दी पहुंच जा रहा है और वास्तव में 24 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 1/24। तो अगर 1/24 सामान्य चाल से पूछा है तो सामान्य चाल 4 है और सामान्य चाल से समय कितना लग रहा है 5, 1/24 है तो 5/20 = 100, 4×5 = 120, 120 मिनट, और 120 मिनट को क्या लिख सकते हैं 2 घंटे। क्वेश्चन को नोट करिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, चालों का अनुपात, यानी चाल दे रखा है 5/4, किसका, ए और बी का, यानी ए की चाल अगर 5 है तो बी की चाल कितनी है 4। किसी दूरी को तय करने में, वही दूरी है दोनों के लिए, तो दूरी जब समान होगा तो चाल का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा आपका कितना 4/5, यहाँ हो जाएगा कितना 4/5, यानी ए का समय 4 और बी का समय कितना 5। तो अब जरा देखो, बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो बी ए से कितना अधिक समय ले रहा है यहाँ पर 1, और 1/ कितना 2 घंटा। बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे, तो 1/2 घंटा, तो 2×4 = 8 घंटा और 2×5 = 10 घंटा, यानी एक बंदा 8 घंटे में तय करेगा और दूसरा बंदा 10 घंटे में पूरा करेगा। बात को समझ रहे होंगे, बस चाल को उल्टा करके समय कर दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राम 12 किलोमीटर/घंटा की चाल से घर से दफ्तर जाता है, यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। क्वेश्चन यहाँ छूट गया तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया, चले तो 20 मिनट देर से पहुंचता है, उसके घर से दफ्तर की दूरी बताएं। अब फिर यहाँ पर हम बस वही लिख लें, चाल का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 5/6, यह हमारी नीचे वाली चाल जो होगी वह पहले की चाल होगी और जो ऊपर होगा वह कब का चाल होगा, अब का चाल होगा। तो जब चाल को उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाता है मेरे मित्र, समय हो जाता है, यानी यहाँ पर हो गया 6/5, और यहाँ पर जरा देखो कितना देर से पहुंच रहा है 1, और 1/ कितना दिया है 20 मिनट, तो 1/20 मिनट, तो 20×120 मिनट, 120 मिनट का मतलब कितना हुआ 2 घंटा, यानी राम जो है अब अपने दफ्तर जाता है तो कितना समय लेता है 120 मिनट, मतलब 2 घंटे, यानी राम अपने दफ्तर अब 2 घंटे में पहुंचता है। अच्छा एक चीज देखिए, पहले का चाल दे रखा है 12 किलोमीटर/घंटा, तो हम यहाँ रख सकते हैं 6/12 किलोमीटर/घंटा, तो 6×6 = 12, यानी 1/ आ गया 2 किलोमीटर/घंटा, यदि 1/2 किलोमीटर/घंटा आया है तो 2×5 = 10 किलोमीटर/घंटा, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, कौन, राम, कब, अब, यदि 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है तो समय कितना लगाता है 2 घंटा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर, यानी राम के घर से दफ्तर की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। फिर मैं रनिंग स्पीड में बता देता हूं आपको, चाल का अनुपात 5/6, उल्टा कर दिए 6/5 क्या हो गया, समय हो गया, अब समय 6 लग रहा है, पहले समय 5 लगता था, पहले की तुलना में अब 1 ज्यादा लग रहा है जो कि वास्तव में कितना है 20 मिनट है, तो 1/20 मिनट हुआ, तो 6/20×120 मिनट, 120 मिनट का मतलब कितना हो गया 2 घंटा हो गया, यानी राम अब दफ्तर 2 घंटे में पहुंचता है। अगर हम राम के अब की चाल निकाल लें तो हम 2 घंटे में गुणा करने से हमारा दूरी निकल कर आ जाएगा, लेकिन राम का 12 किलोमीटर/घंटा की चाल पहले का दे रखा है और पहले का हमारा अनुपातिक चाल कितना है 6 है, तो 6/12, तो 6×6 = 12, 1/6 km/घंटा, 2 km/घंटा, यदि 1/2 km/घंटा है तो 5/2×5 = 10 km/घंटा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर। नोट करिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4, 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। मेरे भाई यहाँ पर देखिए समय दे दिया है, क्या दे दिया है, समय, कितना दे दिया है 5:4, ठीक है, लगाते हैं। दो व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर/घंटा हो, ठीक है ना, तो पहले समय दिया है तो समय को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, यानी 4/5, तो पहले व्यक्ति की चाल कितनी आई 4,
और वास्तव में कितना दिया है 16, तो 4 बराबर क्या लिखेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 बराबर 4, तो 1 बराबर 4 हो गया, तो 5 बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 20 किलोमीटर। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको ना जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो मुझबानी कर पाओगे आप देख रहे हो कि पहला व्यक्ति का दे रखा है तो 4 बराबर 16, तो 4 एकम 4 चौके 16, तो 1 का मान 4 आ गया, तो 4 पंजे 20, ये सब लिखने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, क्या आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है, क्या आपका चाल समय दूरी का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं जब से आज पढ़ा रहा हूँ यही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग से इसको लेकर के पढ़ा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से देखिए और क्वेश्चन मुझे बाने लग जाएगा। इस पर आते हैं, दो साइकिल सवार कोई दूरी 8 संबंधी 5 की चाल से तय करते हैं, ठीक है, यानी एक की चाल 8 है तो दूसरे की चाल कितनी है 5 है। फिर क्या बोल रहा है, यदि पहला साइकिल सवार दूसरे से 15 किलोमीटर तेज चलता हो, तो मैं यहीं पर अगर लगाऊं तो 5 वाले से 8 वाला कितना तेज चल रहा है, 3 चल रहा है, तो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, तो 1 का मान 5/8 = 40, 1 का मान 5/5 = 25, मुझबानी लगाने की बात बता रहा हूँ मैं। तो यहीं पर आप देख कर लगा सकते हो कि एक की चाल दूसरे से 15 ज्यादा है, तो यहाँ पर एक की चाल 8 है दूसरे की चाल 5 है, तो 8 5 से 3 ज्यादा है, तो 3 बराबर 15, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 हो गया, तो 5/8 = 40, 5/5 = 25, यानी पहले साइकिल सवार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे साइकिल सवार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछा गया है दूसरे सवार की चाल, अब इसको मैं इस हिसाब से लेता हूँ 8/5, ये क्या हो गया मेरे दोस्त चाल हो गया, यह पहले का और ये दूसरे का। अच्छा यहाँ पर देखिए 5/8 से कितना ज्यादा है 3, और वास्तव में कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 हो गया। हमसे पूछा है दूसरे साइकिल सवार की चाल, तो दूसरे साइकिल सवार की चाल हो गई 5/5 = 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने नाम से नोट करिए आप, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है चाल समय दूरी का, पहला 3-4 पार्ट में चाल समय दूरी का टोटल क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपका फिर मैं बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों ने चाल समय दूरी का रिक्वेस्ट किया था उनकी मैंने ये रिक्वेस्ट पूरी की, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं ओवर होती है, जय हिंद जय भारत।